जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शपथ दिला रहे हैं, मुख्य अतिथि है, अब अपना संबोधन देंगे, क्या कुछ कहेंगे आपको सुनवाएंगे। अपना नाम बोलेगी जब मैं बोलूं, ठीक है। मैं राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पद का नाम बोलो, पद पर मनोनीत किए जाने पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, लेती हूँ कि मैं संघ व अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद की प्रतिष्ठा गोपनीयता को पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर कर्मचारी कल्याण एवं जनहित में कार्य करूंगा तथा संघ के संविधान के अनुरूप सभी मर्यादाओं का पालन करूंगा एवं अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हुए राज्य की जनता के प्रति पूर्ण रूप से शपथनशील रहूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बधाई है। कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर शपथ दिला रहे हैं कर्मचारियों को। संघ अध्यक्ष कपिल देव और कार्यकारिणी को भी शपथ उन्होंने दिलाई। मुख्य सचिव उषा शर्मा समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं। तो राजधानी जयपुर से खास तस्वीरें, सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह, संघ अध्यक्ष कपिल देव और कार्यकारिणी को शपथ दिला रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्य सचिव उषा शर्मा समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं और ये बेहद खास कार्यक्रम, शपथ भी उन्होंने अभी दिलाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। फिलहाल ये उस कार्यक्रम की तस्वीरें, उस मंच की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। मुख्य अतिथि हैं अशोक गहलोत, तमाम कर्मचारी इस दौरान यहाँ पर हैं और जितने भी कर्मचारी उनको सिर्फ माला पहनाई, ना तो माला पहनाई है बल्कि शपथ भी उनको दिलाई है, यानी माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया और शपथ भी उनको दिलाई गई। मुख्य सचिव उषा शर्मा इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सचिवालय कर्मचारी संघ का ये शपथ ग्रहण समारोह। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के तौर पर और इनको शपथ भी दिला रहे हैं। इसके अलावा संघ अध्यक्ष कपिल देव और कार्यकारिणी को भी शपथ दिला रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गजेंद्र शर्मा, विवेक चौधरी। तो शपथ ग्रहण समारोह के तहत शपथ दिलाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और जिन कर्मचारियों को शपथ दिलाई है उनका माल्यार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद, और जितने भी कर्मचारी हैं उनके चेहरे आप साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनको शपथ दिलाने के लिए, उनको माल्यार्पण करने के लिए। और ये वही पल है जिस दिन उन्होंने शपथ ली, ये शायद कभी नहीं भूलेंगे और इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें ये शपथ दिलाई है, इस दिन उन्हें माल्यार्पण किया। और बेहद ये खास पल इन तमाम कर्मचारियों के लिए जो कि सचिवालय कर्मचारी हैं और शपथ ग्रहण समारोह के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और बेहद खुश ये कर्मचारी लग रहे हैं। संघ अध्यक्ष कपिल देव और कार्यकारिणी को भी मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई है। और इस बीच ये भी बेहद खास है कि मुख्य सचिव उषा शर्मा जो कि इस पूरे कार्यक्रम की, इस पूरे समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं, उनकी जिम्मेदारी है और बेहद ये खास कार्यक्रम राजधानी जयपुर में सचिवालय से जहां पर कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, बेहद खास पल इन तमाम कर्मचारियों के लिए जिन्होंने आज शपथ ली, मुख्यमंत्री ने उन्हें शपथ दिलाई और माल्यार्पण भी किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई और ये बेहद खास कार्यक्रम। तमाम जानकारी लेने के लिए ऋतुराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। ऋतुराज, बेहद खुश ये तमाम कर्मचारी लग रहे हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। कहते हैं कि शपथ का दिन कोई नहीं भूलता, लेकिन अब मुख्यमंत्री जब उन्हें माल्यार्पण करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, शपथ दिला रहे हैं, तो शायद ये बेहद खास पल है उनके लिए। देखिए, बिल्कुल बेहद खास पल है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक जो पदाधिकारी है उसको माला पहनाकर स्वागत किया गया है, सभी को बधाई दी है और सभी को, हालांकि सामूहिक रूप से यहाँ पर सीएम ने शपथ दिलाई,
लेकिन जो एक एक पदाधिकारी को माला जिस तरह से पहनाई गई है उससे काफी खुश लग रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी, और कर्मचारियों का प्रतिनिधि का बड़ा वर्ग इससे उत्साहित है जी। और कर्मचारी जो पदाधिकारी हैं उनसे अलग से बातचीत भी सीएम ने यहाँ पर की है, तो देख सकते हैं कि एक उल्लास है अलग तरीके का। सीएम ने सभी को शाबाशी दी है, बधाई दी है, और एक एक बात समझने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम अपने व्यूअर्स में भी हम बता पा रहे हैं कि जो पर्सनल कोई सरोकार भी बता रहा है, कोई मुद्दा भी बता रहा है, उसके लिए भी हमने ध्यान से यहाँ पर सुना है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो और कितनी देर तक यहाँ पर इस कार्यक्रम में रहेंगे? देखिए कुछ देर बाद सीए उषा शर्मा का संबोधन है जी, बस उषा शर्मा का यहाँ पर संबोधन के बाद सीएम का संबोधन होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम की समाप्ति होगी। चलिए आप बने रहिएगा, आप आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष श्री कपिल देव एवं उनकी कार्यकारिणी, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमंत गेरा जी, शासन सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्रीमती मैडम आरती डोगरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी रविंद्र गोस्वामी जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी कर्मचारी साथी, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री कपिल देव एवं उनकी कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी ये जानते हैं कि शासन सचिवालय राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से समस्त नीति निर्धारण, योजनाओं का क्रियान्वयन और बहुत इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं, जिससे प्रत्येक प्रदेशवासी को राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का समुचित लाभ मिलता है। शासन सचिवालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी कार्मिक राज्य सरकार की इन योजनाओं में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है और उनके द्वारा जितने कार्य किए जाते हैं राज्य के प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उसका अनुसरण होता है। शासन सचिवालय की जो कार्य पद्धति है उसका सीधा सीधा प्रभाव जिला स्तरीय सरकारी तंत्र की कार्य पद्धति पर भी पड़ता है, दक्षता पर बहुत उसका इन्फ्लुएंस रहता है। आम जन की समस्याओं को का स्पीडी डिस्पोजल कैसे हो सके, उसमें भी आप सभी शासन कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और हमारा सदा यही प्रयास रहता है कि हम सभी जितने भी कार्मिक कार्यस्थल में कार्यरत हैं उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं उसका हम किस तरह से हम जो है सेंसिटिव होके उसको हम अटेंड करें और उनको समुचित जो है लाभ दे सकें। इसके साथ ही जितने भी लोग यहाँ पोस्टेड हैं सचिवालय में उनकी नियमित डीपीसी कैसे हो सके, उनकी सेवा संबंधी जितने भी प्रकरण हैं उनका समयबद्ध रहते किस तरह से निस्तारण हो सके, इसके प्रति हमारा विशेष ध्यान रहता है। जहाँ तक नवीन भर्ती का प्रश्न है, राज्य सरकार रिक्त पदों की भर्ती के लिए अत्यंत संवेदनशील है, और इस क्रम में मुझे आपसे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक के 70 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 मई 2022 को ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इनकी नियुक्ति बहुत जल्दी ही कर दी जाएगी। इसी के साथ ट्रेनिंग का जहां तक प्रश्न है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए शासन सचिवालय में समस्त कार्यरत नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ के माध्यम से सहायता विभाग के माध्यम से सभी को
प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है सभी को, इसका जो है इसमें पूरी जानकारी क्या होनी चाहिए इसमें सभी को ऑलरेडी जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। और इसके अलावा जो नोटिसेबल जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त बजट घोषणा की अनुपालना में शासन सचिवालय में जो ग्रामीण और दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके उनको सुविधा दिलाने सुविधा के लिए एक रिसेप्शन रूम बना दिया गया है, जिसको अच्छे से रेनोवेट कर दिया और उसको पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाएं उसमें दिला दी गई हैं, जिससे कि जो दूर दराज से लोग मिलने आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, उनको जो है उनको स्वागत रूम में वो सभी आराम से वो बैठ सकें और उसके बाद जो है वो संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण से मिलके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। इसके लिए समुचित जो है व्यवस्था उनके रिसेप्शन कक्ष से लेके